श्री महाभारत खिल भागे एकादशोध्याय में परमात्मा के द्वारा भूतों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए उनकी नाभि से एक महान पदम का प्रादुर्भाव। शंपान जी कहते हैं, जन्मेजे वे हंस संज्ञक परमात्मा कुंभ योनि ब्रह्म ऋषि विशिष्ट होकर के अपने कुंभ जनित देह को अपने आत्मा समष्टि के अभिमानी चेतन से आच्छादित करके तपस्या करने लगे। उस समय उन अत्यंत शक्तिशाली विश्व रूप महात्मा ने भौतिक जगत तथा उसके उपादान भूत पंच महाभूतों की सृष्टि का विचार किया। आकाश रहित जल स्वरूप सूक्ष्म गुफा में जगत के लीन हो जाने पर वहां उस समय तपस्या से भावित अंतःकरण वाले वे परमेश्वर जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, तब शरीर राशि में स्थित हुए उन्होंने उस एकांत में कुछ शोभ अर्थात हलचल उत्पन्न कर दिया। तदंतर उनके मन में जो सृष्टि विषय के संकल्प की दूसरी तरंग उठी, उससे उस जल में सूक्ष्म छिद्र आकाश या अवकाश प्रकट हो गया। तदंतर जो संकल्प की पुनः तीसरी तरंग उठी, तो उससे उस आकार में शब्द की ध्वनि अर्थात वे ईश्वर ही वहां शब्द रूप से गतिशील हुए। उनके इस प्रकार गतिशील होने में वायु का वेग ही कारण था। यदि कहें उस समय वहां वायु कहां थी, तो इसका उत्तर सुनो, वे ईश्वर वह छिद्र या अवकाश पाते ही अशोभ्य वस्तु भी स्वयं वायु रूप में प्रकट होकर के वहां बढ़ने लगी। तात्पर्य यह कि आकाश के अनंतर उत्पन्न हुई वायु शब्द और गति की अभिव्यक्ति में कारण हुई। उस बढ़ती ही प्रबल वायु से वह एकादम का जल सब बहुत से शुद्ध उठा। उसमें बहुत सी तरंगे उठ करके परस्पर वेग से टकराती हुई उस महासागर को मथने लगी। उस शुद्ध महासागर का जल जब इस प्रकार मथा जाने लगा, तब उससे ज्वालामालाओं से युक्त शक्तिशाली कृतवत तर्मा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण वर्मा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। उस अग्नि ने वहां फैली हुई अगाध जल राशि को सोख लिया। उस जल राशि के क्षीण हो जाने से वहां का स्थान खाली हो गया और आकाश निकल आया। अमृत रस के समान मधुर एवं पवित्र जल परमात्मा के तेज से प्रकट हुआ है। इस जल में जो छिद्र प्रकट हुआ, उससे आकाश का आविर्भाव हुआ और आकाश में वायु की उत्पत्ति हुई। घी के समान द्रव्य स्वरूप जो जल है, उसके प्रास्पिक संघर्ष से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। उस पृथ्वी का पार्थिव शरीर में जठरनल का प्रकट हुआ, जो परंपरिया जल से ही उत्पन्न है। उसे देख करके महाभूतों के आदि श्रेष्ठा परमात्म देव बहुत प्रसन्न हुए। लोक सृष्टि के प्रयोजन और तत्व को जानने वाले अनेक रूपधारी वे भगवान प्रत्येक कल्प में इस प्रकार भूतों का प्राकट्य देख करके सृष्टि विस्तार के लिए हित कर ब्रह्मा जी के जन्म का चिंतन करते हैं, अर्थात मानसिक संकल्प से ही ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इसी दिन से वे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे ब्रह्मा पूर्व काल में इस पृथ्वी पर तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले द्विज राजाओं में श्रेष्ठ, ब्रह्म के उपासक, यतनशील, अनेक जन्मों तक चित्त वृत्तियों का निरोध करने वाले, ज्ञानमान विश्व आत्मा का साक्षात्कार करने वाले और योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगवेता रहे होते हैं। योगवेतन विशेष देव उन योगवान सब के लिए उपास्य तथा संपूर्ण ऐश्वर्य और विक्रम से संपन्न ब्रह्मा जी को
वेद और जगत की परंपरा बनाए रखने के कार्यों में नियुक्त करते हैं। ब्रह्मा जी को नियुक्त करने के अनंतर भगवान श्री हरि अपने स्वरूप भूत उस महान जल में अच्युत रूप से स्थित होते हैं और यह नियुक्त हुए तेजस ब्रह्मा प्राणियों के कर्मवश उनके कर्मों में उपरत होते होने पर सोते तथा सबके कर्मों के उद्भव होने पर नाना प्रकार से क्रीड़ा में करते हुए आनंद मग्न होते हैं। उसी समय जबकि ब्रह्मा के जन्म का समय उपस्थित हुआ था, भगवान श्री हरि ने अपनी नाभि से एक सहस्त्र दल कमल प्रकट किया जो रजोगुण या रज से रजित रहित सूर्य के समान तेजस्वी तथा सद में था। महात्मा श्री हरि के शीश से प्रकट होकर के अत्यंत मनोहर दिखाई देने वाला वह अतिशय कांतिमान सुगंधित कमल बड़ी शोभा पा रहा था। वे आंखें प्रज्वलित शिखा के समान अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका तेज शरत काल के निर्मल सूर्य की भांति उद्भासित होता था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में महापद्म की उत्पत्ति विषयक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। द्वादशोध्याय में नारायण के नाभि कमल के दलों में समस्त लोगों की कल्पना। शंपाजे कहते हैं, जन्मेजे तिरंतर आत्म स्वरूप परमात्मा ने अनेक योजन विस्तृत संपूर्ण तेजों में गुणों से संपन्न और पार्थिव लक्षणों से युक्त उस हिरण्यमय कमल में योग वेताओं में श्रेष्ठ संपूर्ण भूतों के मन में स्थित सब और मुख वाले तथा समस्त प्राणियों के श्रेष्ठा ब्रह्मा जी का स्थापित कर दिया। प्राणों के ज्ञाता महर्षिगण पृथ्वी शरीर से उत्पन्न होने वाले उस उत्तम कमल को नारायण के अंग से प्रकट हुआ बताते हैं। वह पद्म जिस देवी का आसन है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस कमल के भीतरी भाग में जो पाषाण में होने के कारण सदृढ़ और अंकुर की भांति ऊंचे उठे हुए भाग हैं, उन्हें दिव्य पर्वत माना गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं, हिमवान, मेरु, नील, निषद, कैलाश, मुंजवान, गंधमाधन, पित्त त्रिकूट, कमनीय मंद्राचल, उद्याचल, कंद्राचल, विंध्याचल और अस्ताचल। ये संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न पर्वत देवताओं, सिद्धों और पुण्यशील महात्माओं के आश्रम हैं। इनके बीच का देश जम्बू द्वीप माना गया है, जहाँ याज्ञिकों ने यज्ञ किया है उसी प्रदेश को जम्बू द्वीप की संज्ञा का ख्याति प्राप्त हुई है। उस कमल के गर्भ से जो देवताओं के अमृत रस के समान जल झरता है, उस जल को बहाने वाली दिव्य सरिताएं मानी गई हैं। दिव्य सैकड़ों तीर्थ उनके अपांग हैं। उस पद्म के चारों ओर जो ये केसर है वे ही भूमंडल के सारे धातु पर्वत हैं जिनकी गणना असंभव है। नरेश्वर, उस कमल के जो बहुत से ऊपरी दल हैं वे ही परतों से भरे हुए दुर्गम मलेच्छ देश कहे गए हैं। उक्त कमल के जो नीचे के पत्र हैं वे पृथक पृथक निवास के लिए चुन लिए गए हैं। उन्हीं को महामना दैत्यों और सर्पों का वास स्थान पताल कहा गया है। उन पद्म पत्रों के नीचे जो उदक नामक स्थान है उसमें महापातक युक्त कर्म करने वाले मनुष्य डूबते हैं। उस कमल के अंत में चार ओर जो कुश अर्थात जल हैं वही एकादनों की अनंत जल राशि हैं। उनके चार भाग चारों दिशाओं में संचित है जो जल के समुद्र कहे गए हैं। नारायण ऋषि की नाभि से ये महान पद्म का प्राकट्य हुआ है, इसलिए उसके इस प्रादुर्भाव को
पुष्कर संभव, पुष्कर प्रादुर्भाव नाम से कहा गया है। इसी कारण से उस पदम को जानने वाले पुरातन महर्षियों ने, जो यज्ञप्रायण तथा वेदांत के ज्ञाता हैं, यज्ञ के कमल के आकार का कुंडन निर्माण किया है। इस प्रकार भगवान ने उस कमल में ही विश्व की व्यवहारिक सृष्टि की है। परतों नदियों तथा विभिन्न देशों की भी रचना की है। अप्रतिम प्रभावशाली सर्वव्यापी प्रभा युक्त ऐश्वर्य संपन्न महामना शंभु भगवान नारायण ने उस महानवर के भीतर शयन करते समय स्वयं ही उस जगन में पदम निधि की सृष्टि की। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग से संपूर्ण भूतों का उत्पत्ति विषयक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ।